दोस्तों बतौर कप्तान अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने हेड कोच और मेंटर गौतम गंभीर के लिए ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर आप सूर्य कुमार यादव को सलाम करोगे। जी हाँ, तो सूर्या ने गौतम गंभीर के लिए क्या किया है और गंभीर पर क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो कि सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान भारतीय टीम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका की टीम को धूल छटाते हुए इस मैच को अपने नाम कर लिया। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 214 का लक्ष्य दिया था, जहां भारतीय टीम से सबसे ज्यादा सूर्य कुमार यादव ने 58 रन्स बनाए, वो भी सिर्फ 26 गेंदों में। वही बाकी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी कमाल की बल्लेबाजी की, जहां यशस्वी जायसवाल ने 40 रन्स बनाए और ऋषभ पंत ने 49। सभी ने लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिसके कारण टीम इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। हालांकि श्रीलंका के बल्लेबाज भी पीछे नहीं हटे, उनके भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। जहां पाथम निसनका ने 79 रन्स मारे, तो वही कुसल मेंडिस ने 45, 16 ओवरों तक मैच श्रीलंका के पक्ष में थी। लेकिन यहाँ से भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की और भारत को जीत दिला दी। जहां पार्ट टाइम गेंदबाज रियान पराग ने 3 विकेट झटके, तो वही अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जिसके चलते भारत ने पहला T20 मुकाबला 43 रनों से अपने नाम कर लिया। वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव को उनके बेहतरीन 26 गेंदों में 58 रनों की पारी के लिए जब उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड चुना गया तो सूर्य कुमार यादव काफी भावुक हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज का ये दिन मुझे जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। आज इस जीत से मैं बेहद ही खुश हूँ, क्योंकि भारतीय टीम के लिए बतौर कप्तान ये मेरी पहली जीत थी। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि बतौर कप्तान मेरी पहली ही जीत में मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। पहले भी मैं काफी बार ये अवार्ड को जीत चुका हूँ, लेकिन आज का ये अवार्ड मेरे लिए काफी स्पेशल है। इसके लिए मैं मेरी टीम और खासकर गौतम गंभीर भाई को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक वक्त पर 16 ओवरों तक ऐसे लग रहा था कि ये मैच हम हार जाएंगे, लेकिन फिर मेरे गेंदबाजों ने बेहतरीन अंदाज में वापसी की और एक के बाद एक विकेट लेकर टीम को जीत के पार ले गए। वही मैं गंभीर भाई को भी इसीलिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं भारतीय टीम का कप्तान बना हूँ तो उसमें गंभीर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी वजह से ही मैं आज कप्तान बन पाया हूँ और मैच के पहले मैं काफी ज्यादा नर्वस भी था, तब उन्होंने ने ही आके मुझे मोटिवेट किया। मेरे IPL करियर के शुरुआत में भी उन्होंने ही मदद की थी और आज भारतीय टीम के लिए कप्तान बनने के सफर में भी उन्होंने ही मदद की है। इसीलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपना ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गंभीर भाई को डेडिकेट करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि गंभीर भाई के साथ मिलकर मैं और मेरी टीम भारतीय टीम का नाम और ज्यादा रोशन करेंगे और टीम को ICC टूर्नामेंट्स में भी ट्रॉफी दिलाकर रहेंगे। सूर्या के गंभीर के प्रति इस जेस्चर ने दिखा दिया कि वो गौतम गंभीर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सूर्या के इस बात ने सभी का दिल जीत लिया। वही दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के मैचेस फ्री में देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम फ्री लाइव लिंक्स डाला करेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही मैच हारने के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका काफी भौंकला गए थे। जब उनसे इस हार के बारे में पूछा गया तो असलंका ने बात करते हुए कहा कि ये मैच आज हमें जीतना बेहद ही जरूरी था और हम ये मैच एक समय पर जीत भी रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही पथम निशान का आउट हुए उसके बाद कोई भी श्रीलंका का बल्लेबाज क्रिस पर टिक ही नहीं पाया। एक वक्त पर ऐसे लग रहा था मानो हम भारत के मुंह से ये जीत छीन लेंगे, लेकिन आखिरकार ये भारतीय टीम है, इन्हें कभी भी कम नहीं हाँकना चाहिए। ये हार के स्थिति ये भी मैच जीतना जानती है। हमें लगा कि सूर्या पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी प्रेशर में आ जाता जब हम तेज गति से रन्स बना रहे थे, लेकिन सूर्या ने दिखा दिया कि वो जीतने कमाल ने बल्लेबाज है, उतने ही कमाल के वो कप्तान भी है। और मेरी राय में उनमें कप्तानी के क्वालिटीज काफी सारी है, वो उस प्रेशर सिचुएशन में भी काफी कूल और काम थे। ये मैच हमें जीतना इसीलिए भी जरूरी था कि अगर हम ये मैच जीत जाते
तो सूर्या और गंभीर जो कि पहली बार भारतीय टीम के कप्तान और हेड कोच बने हैं, तो अपना पहला ही मैच हारने के बाद दोनों भौंकला जाते और आगे आने वाले दो मैच में हम उन पर और दबाव बना सकते थे, लेकिन इस टीम ने हमारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसीलिए शायद ये टीम इस बार वर्ल्ड कप जीती है, क्योंकि ये जानते हैं कि हारी हुई मैच को कैसे जीता जाता है। इनसे और इनकी टीम से हमें काफी कुछ सीखना बाकी है। वही दोस्तों, टीम इंडिया की इस जीत पर श्रीलंकन दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले कुमार संगकारा ने कहा, भले ही हमारी टीम आज हार गई, लेकिन जो उन्होंने आज फाइट दिखाया उससे मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस है और उन्हें हराना आसान नहीं है। लेकिन हमने जिस तरह से आज बल्लेबाजी की वो कमाल था। एक समय पर हमने टीम इंडिया को दबाव में डाल दिया था, लेकिन फिर उन्होंने शानदार वापसी की। आखिरकार वो वर्ल्ड चैंपियंस है, उन्हें पता है कैसे कमबैक किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद महिला जयावर्डीन ने कहा, सबसे पहले मैं गौतम गंभीर और उनकी टीम को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा। ये जीत उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका ने काफी फाइट किया, लेकिन सूर्या ने काफी अच्छी कप्तानी की। एक समय ऐसा लग रहा था श्रीलंका ये मैच बेहद ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने क्या कमबैक किया। सूर्या ने दबाव में भी अच्छी कप्तानी की और गेंदबाजों को सही से इस्तेमाल किया। सूर्या को कप्तानी देकर टीम इंडिया ने सही फैसला लिया है। इसके बाद लसित मलिंगा ने कहा, आज टीम इंडिया ने जो बल्लेबाजी की, खास करके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो बल्लेबाजी की, वो कमाल था। सूर्या ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो T20 के बादशाह हैं। टीम इंडिया एक चैंपियन टीम है और उन्होंने चैंपियंस की तरह खेला। वही श्रीलंका को टीम इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद मुरलीधर ने कहा, भारत ये मैच जीती नहीं है, बल्कि श्रीलंका ये मैच हारी है। निशंका ने इतनी अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद श्रीलंका के बाकी के बल्लेबाजों ने बेहद ही खराब बल्लेबाजी की, लेकिन सूर्या की कप्तानी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने शानदार कप्तानी की। आज सूर्या की कप्तानी से ये दिख गया कि आगे जाकर उनकी कप्तानी में टीम इंडिया T20 में कमाल करने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे श्रीलंका के दिग्गजों के टीम इंडिया की जीत पर। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।